दोस्तों, एक नॉन आईटी फ्रेशर के लिए डेवऑप्स इंजीनियर बनना किसी सपने से कम नहीं है। ये सपना पूरा करके दिखाया है वैभव पेंढारे ने। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विश्वभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैभव पेंढारे से, जिन्होंने सक्सेसफुली नॉन आईटी से आईटी, वो भी डेवऑप्स में अपना करियर ट्रांजिशन किया है। क्या क्या चैलेंजेस उनके रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज उनकी रही है, उनका दिन कैसा दिखता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो में। ये वीडियो तकरीबन 20 मिनट लंबी होने वाली है, इसलिए अपनी चाय कॉफी लेके बैठ जाइए और इस वीडियो से जितना हो सके इंफॉर्मेशन लीजिए। और एंड ऑफ द वीडियो में एक सरप्राइज है, जिससे कि आप भी एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। सो एंजॉय द वीडियो। सो हेलो वैभव, कैसे हो यार? थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस कॉल। कैसे हो आप? हाय शुभम सर, अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। इतना अच्छा लग रहा है कि आपने टाइम निकाला। और व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वैभव रिकॉर्ड करने के लिए अपने घर से निकले, एकदम अच्छी जगह पे गए, जस्ट टू गिव यू ऑल अ गुड ग्लिम्स कि कैसी होती है डेवऑप्स की लाइफ। एकदम अच्छे से देखो, आप देख सकते हो सेटअप किया है सिर्फ आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट गए। सो वैभव, क्यों ना आप थोड़ा अपने बारे में बता दो अपने व्यूअर्स को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी क्लाउडरो कंपनी में एज अ जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर के पोजीशन पे जॉब करता हूँ। क्या बात है, जूनियर डेवऑप्स, मतलब जब भी मैं डेवऑप्स इंजीनियर बोलता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार फ्रेशर्स को मिलती भी है जॉब, बट आप एक लाइव एग्जांपल हो कि जूनियर डेवऑप्स एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया है, तो इट्स यू नो एक बड़ा स्टेटमेंट है कि हाँ डेवऑप्स में फ्रेशर्स को जॉब मिलती है। एंड अभी आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है जो कि हमें बहुत सारे इंसाइट्स देने वाला है। तो वैभव, कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब मेरे माइंड में तो रहते ही है क्वेश्चंस, मैं तो क्यूरियस आदमी हूँ, बट मेरे सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मृणाक भौमिक ये बोलते हैं कि आप डेवऑप्स में गए, बट डेवऑप्स में इंटर्नशिप्स कैसे मिलती है और पॉसिबल है क्या इंटर्नशिप मिलना डेवऑप्स में? हाँ जरूर, क्यों नहीं, कोई भी मतलब जॉब फील्ड में जॉब हो हमारा, तो इंटर्नशिप तो हमें ऐसे एक पॉइंट है कि जहाँ पे हमें वो फील्ड के लिए स्टार्टिंग में तैयार करते हैं, राइट? करेक्ट। तो इंटर्नशिप तो यस इजी है इंटर्नशिप को ग्रैब करना। इसके लिए हमें चाहिए कि एक तो नॉलेज चाहिए टू उसका, राइट? और हमें इंटर्नशिप मिल सकते है, लिंक्डइन है, बाकी माय नौकरी है, नौकरी डॉट कॉम हो गए, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन आपने बताया, तो लिंक्डइन पे कितना इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, आई थिंक अभी क्या हाल में इंटर्नशिप अगर हमें चाहिए तो लिंक्डइन पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हमें अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है लिंक्डइन पे और एक्टिव रहना है, बिकॉज जितने हम डेवऑप्स के रिलेटेड लोगों से एक्टिव रहेंगे उतने हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज पास में आएंगे। मतलब लिंक्डइन इज मस्ट, जैसे लिंक्डइन के नाम में ये लिंक, डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो डेवऑप्स के जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं, कनेक्शंस हैं, आप उसके नेटवर्क में आ जाते हो एंड फिर वो इंटर्नशिप का प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इंडस्ट्री लेवल के लोगों से हमारा जब कॉन्टेक्ट रहता है ना, हाँ, तो हमें पता चलता है कि वो लोग किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किसी नई कंपनीज के बारे में हमें पता चल जाए, बिकॉज हम सारे लोग एमएनसीज में तो नहीं जा सकते। करेक्ट। और राइट, और एक कुछ प्रोडक्ट विस कंपनीज होती है और किन किन कंपनीज को हमें नाम भी नहीं मालूम होते, लेकिन एक्चुअली वो डेवऑप्स में इन डेप्थ काम करती है। तो आई थिंक लिंक्डइन के जरिए हमें इन सब के बारे में पता लग सकता है। तो लिंक्डइन इज वेरी पावरफुल टूल इन टुडेस टाइम। लिंक्डइन तो काफी अच्छा है, मैंने आपका लिंक्डइन भी देखा, आप भी काफी एक्टिव रहते हो, मतलब कमेंट करते रहते हो, पोस्ट डालते रहते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है अमित बद्याल, हाँ, वो बोलते हैं कि एज अ फ्रेशर व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ डेवऑप्स इंजीनियर जॉब अदर देन टूल्स जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मतलब जैसे एंसिबल पता ही है और टेराफॉर्म तो पता ही है, ऐसे कौन से स्किल्स होती है एक फ्रेशर की जो होनी चाहिए जैसे कि डेवऑप्स में काम मिल जाए? अगर मतलब डेवऑप्स में काम मिलना है तो टूल्स तो मस्ट है, बिकॉज़ उसी पे तो एक्चुअल वर्क होता है, बट आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब इतनी भी नहीं एकदम प्रोफेशनली, लेकिन हाँ बेसिक्स हमें हर एक चीज का मालूम होना चाहिए और वही स्किल होती है। उसके अलावा आपने को कुछ ऐसा अलग करना नहीं, और जो भी डेवऑप्स का रिलेटेड टूल्स है जैसे कि गिट हो गया, एनसीपल हो गया, डॉकर हो,
फिर कुबरनेटिस हो, इन सब टूल्स के बारे में हमें एक इनडेप्थ तो नहीं लेकिन बेसिक लर्निंग और उसकी एक होल प्रोसेस मालूम होनी चाहिए कि वो एक टूल है, वो ऐप है, वो क्या काम करता है. तो मुझे लगता है कि हाँ, और क्लाउड तो आई थिंक मस्ट है बिकॉज एज अ डेवऑप्स इंजीनियर क्लाउड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. सो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात किया, टीम स्किल्स के बारे में बात किया, तो जब आप एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढ रहे थे तब आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया था या वो ओवर द टाइम हो गया या आपने स्पेशली ध्यान दिया था उस चीज़? रियल बताओ कि मैंने स्पेशली तो ध्यान नहीं दिया हाँ. लेकिन ओवर द टाइम हो गया क्योंकि जब हम आप जैसे लोगों से बात करते हैं, इंडस्ट्री लोगों से बात करते हैं, तब उनको देखते ही देखते हमारे अंदर चेंज होते रहते हैं. तो उन लोगों के कांटेक्ट में आते हमारे अंदर. अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है आपकी स्किल्स एकदम एकदम एक लेवल के, और तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि अरे हमारे भी उस स्किल्स वो लेवल के होने चाहिए. करेक्ट, राइट, समझा. ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब आप अपने से बराबर वाले, अपने से थोड़े सीनियरिटी में लोगों को एनालाइज करो, उनसे बातें करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ, एंड वो भी एक बहुत ही अच्छी स्किल है एक फ्रेशर के लिए, एक डेवॉप्स में जॉब लेने के लिए. काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मुझे वैभव, और आई थिंक अमित बद्याल को भी ये पॉइंट काफ़ी पसंद आए. आदेश मिराजकर पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर और स्विच इनटू डेवॉप्स फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल पर्सन. सो नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो क्या आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता सकते हो कि आप टेक्निकल से हो या नॉन टेक्निकल से हो? सच बताओ तो मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं. मेरी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है वो एज अ बी मैकेनिकल हूं मैं. क्या? So, yes, तो आप मैकेनिकल से डेवॉप्स में गए हो? यस यस, मैकेनिकल से डेवॉप्स. क्या बात है, ये तो बहुत ही सही. फिर तो ये अभी सब यूजर्स को ना, सभी व्यूअर्स को ध्यान से सुनना चाहिए. तो आपकी जर्नी कैसे रही है मैकेनिकल से डेवॉप्स में जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे? राइट, मेरा 2021 में मैकेनिकल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. ओके. तो उसके बाद मैं मैकेनिकल में 1 ईयर जॉब किया. हां, तो 1 ईयर के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि और मुझे कुछ अलग करना चाहिए बिकॉज मैकेनिकल इंडस्ट्री में अभी जो मुझे ग्रोथ चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था. हालांकि मैकेनिकल इंडस्ट्रीज अच्छी है, उसमें ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन लेकिन हर एक का एक सर्कमस्टेंसेस अलग रहते हैं. राइट राइट, एम्बिशंस अलग रहते हैं. करेक्ट. तो उसी टाइम मैंने डेवऑप्स के बारे में सुना. तो जब मैंने डेवऑप्स के बारे में सुना तो उसके बारे में रिसर्च किया कि क्या टूल्स होते और उनको रिक्वायरमेंट क्या होते, इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास स्किल्स क्या होनी चाहिए. तो यस, उसके बाद मैंने टूल्स के बारे में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 6 महीने तक लर्निंग किया और उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. और जस्ट अभी मैं यहाँ पे, मतलब लैंड हुआ इस जॉब पे. अपना नॉन टेक से टेक में जाने के लिए आपने खुद को 6 महीने दिए, वो डेडिकेशन दिया. राइट यार, ये बहुत बड़ी बात है. ये मतलब अभी जो भी व्यूअर आपको सुन रहा होगा, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको आज एक वीडियो देख लो और कल आप डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे. नहीं, बंदे ने 6 महीने दिए है, इतना डेडिकेशन दिया है. गुड यार, गुड गुड. बट आप अगर इसको समराइज करोगे तो क्या ये जो नॉन टेक से टेक में जाते हैं, क्या ये डिफिकल्ट है, क्या इम्पॉसिबल है, या इसको कैसे एक लाइन में या फिर कम शब्दों में समराइज कर पाओगे? इम्पॉसिबल तो नहीं है, एक अंदर अपनी जील होनी चाहिए क्या कि मुझे कुछ करना है. राइट, मुझे ये चीज सीखनी है या मुझे इस फील्ड में जाना है. क्या तो अगर हमारे अंदर एक लर्निंग का एक जो कीड़ा होता है ना, अगर वो जिंदा हो तो हम सर्वाइव कर सकते. क्या अगर यस यस, अगर दिल से ही नहीं लगा कि मुझे एक चीज करनी चाहिए या इसमें मैं रियली हैप्पी हूँ, तो मुझे लगता है जो लोग हैप्पी है इस फील्ड में या आना चाहते हैं या फिर जो लर्न करके भी फील करते कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आई या मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और जा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते. क्या बात है, मतलब अगर मैं नॉन टेक से होता और मैं आपको अभी सुन रहा होता तो मैं फटाक से मैं अपना रोड मैप उठा लेता और 6 महीने की लगन में लग जाता. सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वैभव. तो आदेश को आई एम प्रिटी श्योर बहुत पसंद आया होगा आपका आंसर. स्वप्निल धोके करके एक है, वो पूछते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, कि डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती है एक डेवऑप्स इंजीनियर की. तो आपकी क्या रहती है वैसे एक्टिविटीज डे टू डे क्लाउड ग्रोव में? क्लाउड ग्रोव में हमारे डे टू डे एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा एक स्टैंड अप मीट रहता है. वहां पे हम हमारे टास्क के बारे में बातें करते हैं. okay. जैसे कि हमने कल किन टास्क पे काम किया, उसमें क्या डिफिकल्टीज आई, कौन सी पॉइंट्स हमें समराइज हुए, अंडरस्टैंड हुए,
और आज हम कौन से टास्क पे काम करने वाले, तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन होता है। अच्छा, और सबको एक पेज पे लेके आ जाता है कि आज ये होने वाला है। ओके, यस यस। फिर काम क्या क्या रहता है, मतलब स्टैंड अप होने के बाद जो जनरल में जो टास्क आपको मिलते हैं वो कैसे हेक्टिक टास्क रहते हैं या कैसे रहते हैं? जैसे कि रियल टाइम के टास्क होते हैं, स्टार्टिंग में हमें तो कोई क्लाइंट के टास्क नहीं देते, स्टार्टिंग में हमारे लर्निंग पे फोकस होता है, बिकॉज जो भी हम कुछ सीखे है उसको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज, एक एडवांस लेवल का नॉलेज जब तक हमें आता नहीं तब तक हमें माइनर टास्क, जैसे अगर हम बात करें तो मैं अभी जेनकिंस पाइपलाइन की बात करूँ तो उस पर कुछ काम रहता है, फिर टेराफॉर्म की बात करूँ, टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स है उनको उनको यूज करके हम AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो माइनर माइनर टास्क हमें इन टूल्स के जरिए होता है। कई बार कुछ कोड को हमें गिट पे पुश करना होता है, तो यस इन जनरल हमें टेराफॉर्म का यूज होता है डे-टू-डे एक्टिविटीज में, जेनकिंस का यूज होता है, कुबरनेटिस का यूज होता है, और बात करें हम यस AWS का तो यूज होता ही। ओह वाओ, ये तो आपने मतलब काइंड ऑफ इंसाइट दे दिया कि जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, AWS पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसमें, अपना थोड़ा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा पैसा भी दे रहे हैं, और टेराफॉर्म सीख रहे हैं, और टेराफॉर्म पे तो लोग इतने वो है कि यार मुझे सीखना है, बट ये एक्चुअल में काम आता है इंडस्ट्री में actual. यार कि तो बहुत ही सही आपने इंसाइट दे दिए। पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग इंफ्रा, ओह इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये क्लाउड ड्रोव तो काफी अच्छा काम कर रही है, कोई ओपनिंग हो तो यार बता दो। हाँ, फिर अगर आपको क्लाउड ड्रोव की ओपनिंग्स की जानी हो तो पहले तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट में शुभम सर ने आपके लिए सरप्राइज रखा है कि क्लाउड ड्रोव में अगर आपको इंटर्नशिप पानी हो या फिर आपको अप्रोच करना हो क्लाउड ड्रोव के साथ, तो आप लास्ट में वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। आपने एक नॉन टेक से एक कंपनी में क्लाउड ड्रोव में इंटर्नशिप पाई है, इट्स प्रिटी श्योर कि द कल्चर इज ऑल्सो गुड, कि वो वेलकमिंग है, कि कुछ लोग होते ना कि हमें तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले चाहिए, हमें तो सिर्फ IIT वाले चाहिए, कुछ कंपनीज होती है, बट ये जो कल्चर मैंने देखा कि यार नॉन टेक को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं और अपस्किल कर रहे हैं और वो पोटेंशियल देख रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड कंपनी, आप बहुत ही अच्छी जगह पर काम कर रहे हो, एंड बड़ा शाउट आउट, मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट जब भी ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में सुनता हूँ जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कोई ग्रोथ मिल रही है, तो मुझे एज अ पर्सन बहुत अच्छा फील होता है, सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप लोग अप्लाई कीजिए, और लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, मैं तुरंत डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, अप्लाई कीजिए, जो भी स्किल्स वैभव बता रहे हैं अभी वीडियो के एंड तक उन सब पे काम कीजिए, देखो कैसे बढ़िया सी जॉब लगती है आपकी। आपको बताना चाहूंगा कि क्लाउड ड्रोव में हम जो काम करते हैं तो एज अ फैमिली, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई सीनियर है और कोई जूनियर है, हमारे सीनियर्स भी हमें एक अपने जैसा समझते हैं कि अगर आपको स्किल नहीं आता ना तो आपको लर्निंग कराएंगे, आपको बताएंगे, स्टक हो जाए किसी टास्क पे तो हम एक सही पाथ दिखाएंगे कि अब अगर आप रॉन्ग कर रहे हो ये सही पाथ है, तो और वो मतलब वेरी फ्रेंडली कल्चर है कंपनी का, कल्चर काफी, तो मतलब जब आप डेवॉप्स में जाते हो, जब आप IT इंडस्ट्री में जाते हो, आपको ये अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा कल्चर मिलता है, चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, तो मतलब स्वप्निल धोके आपको तो आपका आंसर मिल गया, बहुत सारे लोगों को शायद उनकी नेक्स्ट जॉब भी मिल जाए, सो बहुत ही बढ़िया लग रहा है सुन के। सो सुमन गौतम पूछ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेवॉप्स एंड हाउ टू गेट अ जॉब दैट एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि प्रिपेयर कैसे करना है, क्या मैं आपसे एक छोटा सा रोड मैप ले सकता हूँ क्या, कि आपने जब स्विच किया तो आपका जो 6 महीने का आपका जो प्रेपरेशन पीरियड था उसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, एक लाइन बाय लाइन आप अगर बता पाओ अपने हमारे व्यूअर्स को तो बेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मेरे रोड मैप की तो स्टार्टिंग में मैंने लिनक्स पे पढ़ दिया, बिकॉज एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको लिनक्स आना चाहिए, बेसिक लेवल का तो भी आपको आना चाहिए, करेक्ट, तो बिकॉज बहुत सारे टूल्स डेवऑप्स के लिनक्स बेस्ड होते हैं, कमांड बेस्ड टूल्स होते हैं, एग्जैक्टली, तो मैंने शुरू की स्टार्टिंग में कुछ दिन मैंने आई थिंक 15 या 20 डेज मैंने लिनक्स में दिए, फिर उसके बाद मैंने गिट सीखा, गिट इज अ सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, सो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा कोड का क्या होता है, उसको पूछ के इससे गलत रिपोजिटरी पे, गिट को मैंने कुछ या 15-20 डेज दिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ जल्दबाजी की, हर एक टूल में मैंने इन डेप्थ सीखा उसके बारे में कि वो काम कैसे कर रहा है, उसका एंड गोल क्या है, गिट सीखा, उसके मैंने डॉकर पे लर्निंग किया, डॉकर का यूज क्या है, उसका गोल क्या है,
और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, समझा। तो एक डॉकर मतलब हर एक टूल का मैंने लगभग 10 to 15 या 15 to 20 डेज तो दिया ही है, उसका लर्निंग किया, उसके नोट्स निकाले, प्रिपेयर किया और उसके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, समझा राइट। अगर मुझे कंटेंट अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा था इसे, तो यूट्यूब पे सर्च किया, उधर नहीं मिला गूगल पे सर्च किया, स्टैनफोर्ड फ्लो पे हमें किसी भी अगर इश्यू आ जाता है तो वहां पे हमारे आंसर्स अवेलेबल है, राइट। यस यस, तो कुछ दिन मैंने डॉकर पे दिए, फिर उसके बाद मैंने जेनकिंस पे कुछ दिन दिए, ऐसे ही मैंने टूल्स का एक रोड मैप क्रिएट किया, उसके अकॉर्डिंग में चलता। क्या बात है, ये मतलब जैसे हम लोग एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लोग एक डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपने उतने आवर्स दिए, उतना एफर्ट दिया एंड सक्सेस है आपके सामने, आपने एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया नॉन आईटी से आईटी। सो आई थिंक सबको एक छोटा सा इंग्रेडिएंट मिल गया है कि कैसे आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, क्या क्या कितनी दिन आपको मेहनत करनी है। आई थिंक सुमन गौतम बहुत ही खुश होंगी ये आंसर सुन के। बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे थे, जितने सारे हमारे सुमोजीत है, इतने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने समराइज कर दिया कि जो जो कॉमन क्वेश्चंस थे, ये जो टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंसेबल हो गया, टेराफॉर्म हो गया, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना चाहिए या वीडियो से पढ़ना चाहिए या हैंड्स ऑन करके पढ़ना चाहिए या सब यूज करके पढ़ना चाहिए। सो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि कैसे बेस्ट वे है पढ़ने का, आपने कैसे पढ़ा था? राइट, अगर हम पहले किसी टूल को स्टार्ट करते लर्न, फॉर एग्जांपल अगर हम टेराफॉर्म को स्टार्ट करते हैं, राइट, तो हमें पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर हम आप पढ़ लो कि वो टूल है क्या, उसका जरा हिस्ट्री पढ़ लो आप, राइट। और फिर उसका अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक तो आप यूट्यूब वीडियोज के जरिए जा सकते हैं, क्योंकि वो इजी वे है, क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन तब यूज हो सकता है जब आपको उस टूल के बारे में पता हो, राइट, समझा। तो एक डॉक्यूमेंटेशन का यूज भी कर सकते हैं कि अगर इंसान प्रिपेयर है, डिपेंड है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको एक डॉक्यूमेंटेशन से भी जाना चाहिए, लेकिन आप यूट्यूब वीडियोस को देखो, हैंड्स ऑन देखो, हैंड्स ऑन अगर आप करोगे तो आपके उसके जो भी एरर्स आएंगे, आपको फेल्योर आता है तब आप लर्न कर, अगर आप वो चीज सही में जा रहे हो तो मतलब आप कहीं गलत कर रहे हो, बिकॉज एरर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, जब आप उन इश्यूज को सॉल्व करोगे तब आपकी लर्निंग बढ़ेगी। वाओ वाओ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि जब आप खुद कुछ ट्राई करते हो, गलतियां करते हो, तो उससे सीखते हो, अगर आप सब कुछ सही सही कर रहे हो तो शायद कुछ गलत कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा, क्या बोलते हैं उसको, एक दिखाया पाथ दिखा रहा है कि आपको ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, इसको क्लिक करना है, आपको तो पता लग जाएगा कि इसको ऐसे करना है, लेकिन किस और मतलब उस चीज को कुछ डिफरेंट तरीके से करना है या फिर उसमें कुछ ऐड करना है तब आपको पता नहीं चलेगा, राइट। इसके लिए अगर आप कुछ गलतियां करोगे कि यहाँ पे इस गलती हो गई, नहीं इसको ऐसा, हर एक पॉइंट को अगर आप समझोगे तो ही सीख पाओगे। समझा मैं, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मेरे लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नई नई आती है तो सीख रहा हूँ, तो हैंड्स ऑन से ही सीखता हूँ, मैं भी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। तो आप कोई ऐसे यूट्यूबर्स, कोई ऐसे वीडियोस, कोई कोर्सेज आपने किए थे क्या जिससे कि आपको हेल्प हुई थोड़ी? हम अगर बात करें पेड कोर्सेज की, हाँ मैंने डॉक्स का एक पेड कोर्स किया था, ओके, तो उसमें मुझे बहुत सारा लर्निंग मिला, क्योंकि अगर हम हर सब चीज फ्री में मिल जाए तो हम इसमें इतना एफर्ट नहीं लगाते, सही तो बात। हाँ, पेड कोर्स किया, उसके बाद फिर जब भी कोई डिफिकल्टीज आई, इश्यूज आए, तो हाँ यूट्यूब है, ओपन सोर्स है, हमें सब कुछ बताने के लिए, सही बात। नहीं अच्छा है ये, और यूट्यूब पे हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी मिलते हैं, जब एक पेड कोर्स करते हैं या फिर कोई एक मतलब किसी के साथ पढ़ रहे होते हैं तो एक फोकस्ड वे में आप पढ़ पाते। सो काफी ऑनेस्ट आंसर, काफी अच्छा लगा मुझे कि आपने शेयर किया सबके साथ, एंड इट्स वेरी गुड कि आप अपने लर्निंग पे थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे कि आप अभी आप उससे ज्यादा रिटर्न ले रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। और इसी से मैं अपने एक क्वेश्चन पे जाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन पे, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या होता है डेवऑप्स इंजीनियर की लाइफ कैसी रहती है? आप शायद रिमोट डेवऑप्स इंजीनियर, आपको शायद रिमोट मिला है ना ऑफिस या कैसा है? यस यस, मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब, अरे और परमानेंट वर्क फ्रॉम है, वर्क फ्रॉम होम भी है आपका? राइट राइट, तो वर्क फ्रॉम होम जॉब है, हम हमारा कुछ टाइम होता है, उस टाइम में लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन या घर से जॉब हो तो हम जो भी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा पर्क्स एंड बेनिफिट्स है,
और जब एक फ्रेशर डेवॉप्स में जाता है तो एक रफली सैलरी रेंज कितना एक्सपेक्ट कर सकता है वो? जनरली हम डेवऑप्स से बात करें तो 4 to 6 lakhs का पैकेज हमें आसानी से मिल जाता है एज अ फ्रेशर तो एज फोर्ट अ फ्रेशर। ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एज अ फ्रेशर आपको 4 to 6 एज एन एंट्री लेवल जा रहे हो और फिर आप उसके ऊपर और एक्सपर्ट बनोगे और एक्सपीरियंस लोगे, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है। और आपको क्या लगता है डेवॉप्स ये जो फील्ड है ये हाँ, मतलब चलने वाली आगे जाके या कैसी रहेगी? इस फील्ड में तो चलने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई आगे जाके कोई डिस्ट्रेक्शन होगा या फिर कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज एक ऑटोमेशन रिलेटेड फील्ड है। इसमें करेक्ट टूल्स डे टू डे अपडेट होते जा रहे हैं, लोग करेक्ट सीखते हैं। हाँ यस, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, ये कभी बननी होगी और बढ़ जाएगी, करेक्ट बाद में कुछ और नाम लग जाएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ जॉब्स कभी एंड नहीं होगा। बहुत ही सही बात बोली आपने, क्योंकि जब यहाँ पे ऑटोमेशन आ गया है तो आपकी लाइफ इजी ही बनाती जा रही है, कुछ आप में डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही। जो व्यूअर इस वीडियो को एंड तक देख रहा है उनके लिए आपके पास एक क्या एडवाइस है? किसी दूर गांव में, जैसे आपने नासिक बताया और मैं भी किसी एक गांव से हाँ हूँ, तो वहाँ पे कोई बैठ के दूर से देख रहा है वीडियो, उसके लिए आप क्या टिप देना चाहोगे इन जनरल? तो ऐसा है कि देखो, आप कहाँ से हो उसका कोई मैटर नहीं करता। आप गांव से हो, सिटी से हो, राइट? आप अपने लाइफ में गोल रखिए। अभी आपको डेवऑप्स में जाना है, ये डेवऑप्स इज जस्ट फील्ड, जैसे हर एक कोई फील्ड होती है, डेवऑप्स एक फील्ड है। आपको डेवऑप्स में जाना हो तो आप एक रोड मैप क्रिएट कीजिए, आप करेक्ट लर्निंग पे फोकस कीजिए, राइट? अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट में आइए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लोगों के साथ नेगेटिव लोग भी हमें मिलते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तू छोड़ दे, तू आईटी से नहीं है। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ा, मैं लर्निंग पे ध्यान दिया, क्योंकि अगर हमारी स्किल्स अब जब भी कई किसी पॉइंट पे जाओ ना, इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारी स्किल्स बोलते हैं, राइट? जो भी नॉलेज हो आप अपनी नॉलेज ही आपको प्रेजेंट करती है, तो राइट, आप कहाँ से भी हो उसका मैटर नहीं करता। आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो और एक गोल रखो लाइफ में कि हाँ मुझे जाना है, हाँ मुझे करना, तो कोई मैटर नहीं करता, वाह यार वाह वैभव, मुझे तो इतना एनर्जाइज फील हो रहा है, इतना मोटिवेटेड फील हो रहा है आपसे बात करके। आई एम प्रिटी श्योर व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी व्यूअर टू राइट इन द कमेंट कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको वैभव के साथ बात करके कैसा लगा। जितनी भी चीज़ें वैभव ने बताई, जितनी भी चीज़ें हमें समझ में आई इस एपिसोड से, उसको कंपाइल कीजिए, उस पर काम कीजिए एंड अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी डेवऑप्स में जा सकता है, कोई भी एक अपना नॉन आईटी से आईटी में ट्रांजिशन कर सकता है, जस्ट वो मेहनत करनी चाहिए। सो मेहनत। बढ़िया, आपके पास एग्जांपल है मेहनत का। कनेक्ट विथ हिम ऑन लिंक्डइन, उनका लिंक्डइन हैंडल है हमारे डिस्क्रिप्शन में। इनकी कंपनी जहाँ पे काम करते हैं क्लाउड रूफ, उसका भी जो करियर्स पेज है वो है डिस्क्रिप्शन में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वैभव चैनल पे आने के लिए और आपका इतना प्रीशियस टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो शुभम मच। सर, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी कि गांव में जैसे बैठे लोग या फिर मेरे जैसे भाई है, उनको एक लर्निंग पाथ मिले, तो आपके जरिए अगर उन लोगों को कुछ हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच, इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट वैभव।